नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम एक प्रोसीजर देखेंगे कि ब्लैक पेस्टेड आईसी को हम लोग किस तरह से रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका ग्लू कट करना होगा। ग्लू कट करने के लिए जो हमारा टेम्परेचर है वो होगा 220 से लेकर के 250 के बीच। 220-230 में आपको ग्लू किट करनी है और ध्यान रहे कि ब्लेड को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, नहीं तो आपके ट्रैक कर सकते हैं। और इस हैंडसेट में हमने विदाउट सील्ड रिमूव किए ही आईसी को निकालने का प्रयास किया है, ठीक है। तो दो तरफ से हमने इसकी जो ग्लू है उसको साफ़ किया। इसके बाद हम इसे सबसे पहले प्रीहीट करेंगे और प्रीहीट होने के बाद आईसी को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए टेम्परेचर हमारा 350 है और हम जो ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्पेशल ब्लेड है, जिससे कि आईसी के अंदर नहीं ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। आप बाहर से ही आईसी को उठा सकते हैं, वो भी इजी मेथड से। आईसी हमारा बाहर आ गया। बाहर आने के बाद इसका आप टेम्परेचर लो कर लीजिए, सबसे पहले पीसीबी स्टैंड में फिक्स करके हल्का सा फ्लक्स और हल्की सी पीपीटी मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके टेम्परेचर लो हो जाएंगे। एंड हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग भी चलता है एवरीवन। अगर आप चाहें तो हमारी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। डेमो क्लास के लिए आप हमें कॉल या मैसेज करें। इसके बाद इसे हल्के हाथों से इसे क्लीन करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपनी आईसी पे। और इसे क्लीन कर लेना है कॉटन की मदद से। क्लीन करने के बाद इसे डिवॉल्व करेंगे। डिसोल्डर वायर जब आप चलाते हैं तो ज़्यादा लोड ना दें अपनी आईसी पे, या स्क्रैचेस आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ हमारा सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 300-320 के बीच में रखनी है आपको। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके हमारी ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि आपको मिनिमम प्राइसेस में ऑल इन वन आपको हार्डवेयर की ट्रेनिंग दी जाएगी, कंप्लीट हार्डवेयर ट्रेनिंग। अगर हर एक स्टेप अगर आपको मालूम हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता एवरीवन, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें स्टेंसिल फिक्स करनी है। स्टेंसिल सही से फिक्स करें और उसके बाद पीपीडी फ्लक्स पीपीडी आपको अप्लाई करनी है। कोशिश करें ड्राई पीपीडी अप्लाई करने का। सही से प्ले अप्लाई करें, ज़्यादा आप प्रेशर ना डालें, नहीं तो बॉल आपकी साइज आपकी बड़ी हो सकती है। हर जगह समान प्रेशर रखना है और बैंड ट्वीजर से पकड़ के इसे हीट करनी है। 250 में आपका बॉल आराम से बन जाएगा। तो हमारा रिवॉल्विंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है ब्लैक पेस्टेड आईसी पे काम करना। सिर्फ प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।